जनपद मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र की नाबालिग अपने भाइयों के साथ मेला देखने गई थी, जहां से उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण के बाद किशोरी के पिता ने गैर संप्रदाय के दो युवकों पर अपहरण का नाम दर्ज मुकदमा कराया है। दरअसल जनपद संभल के हयात नगर में एचोली के रहने वाले ग्रामीणों ने मुकदमा दर्ज कराया। 9 अप्रैल को करीब 3 से 4 बजे उसकी नाबालिग 14 वर्षीय बेटी अपने भाइयों के साथ सरथल गांव में मेला देखने गई थी। मेले में से उसकी बेटी को जिला संभल के थाना हयात नगर के गांव एचोली निवासी शाहिद बहलाफुस लाकर भगा ले गया। जब उसकी बेटी वापस आई तो उसने पूरी बात बताई और जब ये शिकायत घर पर करने गया तो घर पर मौजूद सलीम पुत्र मकसूद ने अभद्रता की। पीड़िता को लेकर पिता कोतवाली पहुंचा, जहां मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने की तहरीर दी गई। तहरीर पर पुलिस ने मुशाहिद और सलीम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। परिजनों ने फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों संग बिलारी थाने के सामने जमकर हंगामा किया और जाम लगा दिया। काफी देर तक पुलिस की ओर से परिजनों की गहमागहमी चलती रही। तब जाकर पुलिस ने परिजनों को समझाया और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द संयुक्त रूप से गिरफ्तारी की जाएगी। परिजनों को वहां से हटाकर जांच करवाया। जबरदस्ती जबरदस्ती मार मार के जो उल्टे बयान ले रहा है हमसे, फांसी होती कोई सजा नहीं। अब आप चाहते क्या हो? जो बिलारी क्षेत्र अधिकारी साहब की बात हुई है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? उन्होंने कहा कि साहब पकड़ लेंगे हम कब तक। इस संबंध में एसपी देहात विद्यासागर मिश्र का कहना है कि थाना क्षेत्र हयात नगर जनपद संभल के निवासी द्वारा बालिका के अपहरण के संबंध में थाना बिलारी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। बालिका बरामद हो चुकी है। थाना क्षेत्र हयात नगर जनपद संभल के निवासी द्वारा अपने बालिका के अपहरण के संबंध में थाना बिलारी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। बालिका बरामद हो चुकी है। बालिका का मेडिकल 161 और 164 कराया जा चुका है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। परिजनों द्वारा शेष नामित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर के थाने पर बताया गया था और उनको संतुष्ट कर दिया गया है। किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या नहीं। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।